जॉन, हालांकि दूसरा सवाल, हालांकि हम फिल्म प्रमोशन के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक और आजकल मुद्दा है कि पानी की कमी बहुत हो गई है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत लोग मैनेज कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं अब इसको जॉन? आई थिंक इट्स एक्चुअली अ रेलेवेंट क्वेश्चन. वेरी ऑनेस्टली आई थिंक समथिंग कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम लोग ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं सिटी में. आई थिंक इफ यू कैन हार्वेस्ट वाटर राइटली, द सिटी एंड द कंट्री कैन हैव इनफ वाटर. हमें भी बहुत टेंशन होता है जब हमें पता चलता है कि बारिश नहीं हुई है. जब बारिश होती है हमें तकलीफ होती है. वी लुक एंड से अभी फ्लडिंग होगी यहाँ पे, बट वी डोंट हैव इनफ रेन्स इन द सिटी, इन दिस कंट्री. द रिवर्स आर गोना ड्राई अप इन द नेक्स्ट 20-30 years. सो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम दिस कंट्री इज फेसिंग. और उसके ऊपर जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू कट 33 hectares ऑफ लैंड इन आरएमएल कॉलोनी, तभी आपके दिमाग में ये होता है कि आर वी रियली थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग डायरेक्शन. Someone like me is opposed to the coastal road. I am opposed to the 33 hectares of land being cut. और आप बोलते हो कि बस उतना ही काट रहे हम लोग मेट्रो के लिए. You are displacing animals. It's ridiculous. Human beings, everybody. So it's a cause of concern. I don't understand where we are going.